योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जिसके प्रयोग से हम पेट का अफरा, दस्त, पेट के कीड़े, पेचिस, मरोड़ आदि से राहत मिलती है। यह औषधि आप देख लें, इसके जो फल हैं ये जो कच्चे होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, जब ये पक जाते हैं तो ये काले रंग के हो जाते हैं और ये ऐठी हुई होती हैं, इसलिए इसको ऐंठ फरी या मरोड़ फरी के नाम से जानते हैं। और इसके पत्ते थोड़े से बड़े और आगे से नोकदार होते हैं और इस पौधे की लंबाई करीब 5 मीटर ऊंची हो सकती है। और ये आपको ज़्यादातर झेलम नदी के किनारे से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों में भी पाई जाती है। इसका बॉटिकल नाम हेलिकरेक्टर्स आइसोटोरा है। इसको इंग्लिश में ईस्ट इंडिया क्रू ट्री के नाम से जानते हैं, संस्कृत में अप्तमाला अववर्तनी अववर्तनी, हिंदी में मरोरी, भेसुंडी, मरफड़ी, जोका फली, मरोर फड़ी, उर्दू में मरोर फड़ी, पंजाबी में मरोड़ फली आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं मैं कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इसके आयुर्वेदिक गुणधर्म की बात करें तो यह फली कषाय तीक्ष्ण लघु कफ पित्त समक होती है। आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कान में जख्म हो जाने पर आप इस फलियों को पीसकर वहां लेप कर देते हैं तो आपके कान का जख्म शीघ्रता से भर जाता है। कान में दर्द होने पर आप इन फलियों का रस 1 से 2 बूंद कान में डालने से कान दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। इन फलियों को अरंडी के तेल या तिल के तेल में पकाकर छानकर आप शीशी में भरकर रख लें और कान बहने पर 1 से 2 बूंद तेल कान में डालते हैं तो कान बहना रुक जाता है। पेट दर्द में 1 से 2 ग्राम इन फलों का चूर्ण सेवन करने से आपके मरोड़ा युक्त पेट दर्द में तुरंत आराम हो जाता है। इन फलियों का क्वाथ 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा में पीने से पेट दर्द में आराम होता है। हाथों में कीड़े होने पर आप इन फलियों का संभाग और बाया विंडांग मिलाकर आप 10 से 20 मिलीलीटर क्वाथ पीते हैं तो आपके हाथों के कीड़े खत्म हो जाते हैं। अफारा होने पर आप 500 मिलीग्राम इन फलियों का चूर्ण काला नमक मिलाकर खाने से आपके अफरा में लाभ होता है। अतिसार में 1 से 2 ग्राम फली का चूर्ण 1 ग्राम इंद्रवे चूर्ण मिलाकर देने से अतिसार में तुरंत लाभ होता है। पेचिस या मुर्रा होने पर 1 से 2 इन फलियों को पानी में भिगोकर मसलकर छानकर पीने से आपके रक्त अतिसार में तुरंत लाभ होता है। बुखार होने पर अपमार का पंचांग इन फलियों का क्वाथ आप 10 से 20 मिलीलीटर मात्रा में पीने से बुखार उतर जाता है। बच्चों के पेट के कीड़े होने पर आप इन फलियों को 500 मिलीग्राम की मात्रा में भूनकर बच्चों को खिलाने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं। ये मरोर फड़ की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।